नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्याज का अचार बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी अचार बनता है, तो इसके लिए हम छोटे प्याज यूज़ करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इस अचार के लिए मैंने ये आधा किलो छोटे प्याज लिया है। इन्हें अच्छे से छील कर और धो लिया, उसके बाद मैंने एक घंटे इसे धूप में सुखा दिया है ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसका निकल जाए। तो आप बड़े प्याज भी ले सकते हैं यहाँ पर, छोटे प्याज से ज़्यादा टेस्टी अचार बनेगा। इसके बाद देखिए, इनमें हमें इस तरह से दो कट लगाने हैं ताकि मसाला इसमें अच्छे से चला जाए। और इसी तरह से कट लगा के हम ये सारे प्याज रेडी कर लेंगे अचार के लिए। तो ये देखिए, अचार के लिए प्याज रेडी हैं। अब मसाला देखते हैं इसके लिए। तो आप चम्मच से नाप लेकर मसाला करें, तो दो बड़ी चम्मच तो हम बड़े मसाले लेंगे और छोटी चम्मच से हमें छोटे वाले बारीक मसाले लेने हैं। तो एक छोटी चम्मच हम कलौजी लेंगे, मेथी लेंगे, जीरा लेंगे और पीली वाली राई लेंगे। और दो बड़ी चम्मच हम सौंफ, साबुत धनिया और एक बड़ी चम्मच हमें राई लेनी है। और इसके अलावा मिर्च मसालों में हमें छोटी चम्मच से दो चम्मच हमें नमक लेने हैं, दो चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, हींग और एक चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, उससे रंग अच्छा आएगा। और हमें सरसों का तेल गर्म करके ठंडा करना है। तो लगभग आप ये आधा किलो तेल लें, थोड़ा बच भी जाएगा इसमें से, तो लगभग आधा किलो तेल लें आप। और एक पैन में देखिए, हम सारे सूखे मसाले डालेंगे, मेथी डालेंगे, जीरा है, राई है, पीली राई है, धनिया है, सौंफ है, पर कलौंजी हम यहाँ नहीं डालेंगे। तो इन सबको हम आइए थोड़ा सा भून लेते हैं। तो इन्हें सूखा ही भूनना है और बहुत थोड़ा सा, लगभग 3 से 4 मिनट आप इसे भूनें, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ठंडा होने के बाद इन्हें दरदरा पीस लेना है। तो देखिए, इस तरह से इसे पीस कर मैंने रेडी कर लिया है। तो ये मसाला सारा हम एक बाउल में खाली कर लेंगे और मिर्च मसाले भी इसी में मिला देंगे हम। आपको तीखा पसंद है, आप मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। और कलौंजी हमें यही मिलानी है। अब इसमें हम 4-5 चम्मच सिरके के डालेंगे। सिरके और प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिलकर। और इसमें थोड़ा और ऑयल डालकर हम इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा अचार का मसाला रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने ऑयल भी डाला है, जो सरसों का ऑयल हमने गरम किया था। और इसमें आप सारे प्याज डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब आप चाहें तो इसमें और ऑयल डाल सकते हैं ताकि ऊपर तक भर के रहे ऑयल। और इसके बाद इसे हम एक जार में डाल लेंगे, अच्छे से मिला लें इसे आप। और देखिए, जार में डालने के बाद इसे हम 7 से 8 दिन धूप दिखाएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्याज पकना रेडी होगा। आप चाहें तो और ज़्यादा दिन धूप दिखा सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। तो अगर आपको ये मेरे अचार का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।